दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। आरबीआई के गवर्नर विमल जालन ने मोदी की एनबीए पर सवाल किए। राज्य में सागरमाला योजना, 16 मछुआरों को किया पाकिस्तान ने गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार की करनी यह मिलावटी है, ऐसा आरबीआई गवर्नर विमल जालान इन्होंने कहा है। डॉलर के तुलना में रुपयों की होने वाली गिरावट और अमीर लोग कर्जा करके भाग गए, फिर ये रिकवरी के नाम पर आम नेता के लिए मोदी सरकार की करनी यह मिलावटी है, ऐसा आरबीआई गवर्नर विमल जालान इन्होंने कहा है। डॉलर के तुलना में रुपयों की होने वाली गिरावट और अमीरों ने कर्ज लिया पर भाग गए, फिर ये रिकवरी के नाम पर आम जनता के लिए एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिससे सब त्रस्त हो चुके हैं, यह चिंताजनक बात उन्होंने जताई है। राज्य में सागरमाला योजना 2.35 लाख की विकास काम जहाज मंत्रालय के माध्यम से की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने यह जानकारी दी कि मुंबई गोवा शुरू होने वाली देश के पहले लग्जरी क्रूज सेवा के शुभ अवसर पर कहा। पाकिस्तान के अधिकारियों ने मंगलवार को 16 भारतीय मछुआरियों को गिरफ्तार किया। देश के समुद्र सीमा पर उल्लंघन करने की प्रक्रिया पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।